कल से गणेश चतुर्थी का पूजा शुरू हो जाएगा। धनबाद का सबसे बड़ा गणेश पूजा पंडाल, पंडाल के बाहर भी दिखाएंगे और पंडाल के अंदर भी ले चल के दिखाएंगे। ये है पंडाल के बाहर का सीन, बहुत अच्छा थीम बनाया जा रहा है। ये शिवलिंग जो देख रहे हैं आपको, ये बैकग्राउंड में जो थीम दिखाई देगा वहीं पे सेट किया जाएगा। पूरा मेला देख सकते हैं यहाँ से, हम नाव पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा नाव है, ये डिगवाडी का सबसे बड़ा नाव इस साल लगा हुआ है। कैसा लग रहा है? अरे भाई देखो कहाँ से आ रहा है। इधर है मौत का कुआं, मौत का कुआं का अंदर का जो बाइक चलता है, हम आपको पूरा बाइक दिखा रहे हैं, देख लीजिए क्या क्या पार्ट्स होता है। ये है मौत का कुआं का अंदर का कुछ सीन। सबसे पहले हमारे चैनल पर एक दिन पहले हम आपको लेके आए हैं गणेश पूजा पंडाल में दिखाने के लिए कि क्या कुछ काम हो चुका है। कल से गणेश चतुर्थी का पूजा शुरू हो जाएगा और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं धनबाद का सबसे बड़ा गणेश पूजा पंडाल और यहाँ पे लगता है शानदार मेला। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि एक दिन पहले पंडाल का कितना कुछ काम हो चुका है और क्या कुछ काम हो रहा है। पंडाल के बाहर भी दिखाएंगे और पंडाल के अंदर भी ले चल के दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि मेला में कितना कुछ लग चुका है और कितना कुछ बाकी है। और कल से जैसा कि गणेश चतुर्थी का पूजा शुरू हो जाएगा, यानी कल को आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम पंडाल के बाहर दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम पंडाल के अंदर लेके चलेंगे आप। तो देखिए ये है पंडाल के बाहर का सीन। पंडाल कैलाश पर्वत के थीम पे बन रहा है, पर्वत के ऊपर बीचों बीच हमारे शिव भगवान विराजमान दिखाई दे रहे होंगे। ये है कुछ बाहर का सीन जो कि कैलाश पर्वत के थीम पे बन रहा है और आपको अंदर से लेके चल के दिखाते हैं। साइड से आपको एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा जो कि इधर है और इस प्रवेश द्वार से जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं, देखिए कुछ अंदर में कपड़ा और थर्माकोल का काम आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कुछ इस तरह का है यहाँ पे। और कुछ इतना काम अभी फिलहाल हो चुका है, काम अभी चल ही रहा है, थर्माकोल रुई से कपड़ा से। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा थीम बनाया जा रहा है। ये शिवलिंग जो देख रहे हैं आपको, ये बैकग्राउंड में जो थीम दिखाई देगा वहीं पे ये सारा कुछ सेट किया जाएगा। और ये पीछे का थीम आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा 3D के रूप में आपको बैकग्राउंड दिखाया जाएगा जो किस तरह होगा। यहाँ पे गणेश भगवान विराजमान होंगे और पूजा पाठ होगा और ये पंडाल का कुछ अंदर से आप दर्शन कर सकते हैं। कल गणेश चतुर्थी है, कल पूजा होगा तो कल तक तो पंडाल पूरा रेडी हो ही जाएगा। जो आप लोगों ने देखा ये पंडाल के अंदर का एक दिन पहले का सीन है जो हम आपको दिखाए। और पंडाल से बाहर आते के साथ मेला लगा हुआ है, ये है रेंजर झूला कुछ इस तरह का है जो कि सेट हो चुका है। बगल में है आपको ब्रेक डांस, इधर में है बड़ा नाव जो कि डिवाइडी में बहुत रोमांच बना हुआ है, सबसे बड़ा नाव इस साल आया हुआ है। बगल में तारा माचिया, मौत का कुआं सेट हो रहा है। सबसे पहले नाव में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मेला शुरू होने से पहले ही नाव में बैठने चलते हैं, चलिए। देखिए नाव अभी सेट हो रहा है, वाह पूरा मेला देख सकते हैं यहाँ से। इतना सारा दुकान लग चुका है और इसमें दुकान में सारा सामान वामान भरा जाएगा। मौत का कुआं भी है पास में, वहाँ भी चल के आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर बैठ के नाव का आनंद, दोस्तों देख सकते हैं एक दिन पहले हम नाव पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा नाव है ये, डिगवाडी का सबसे बड़ा नाव इस साल लगा हुआ है जो कि लोगों में काफी रोमांच बना हुआ है। और भैया तो टॉप में बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है। आइए मेला घूमिए, भैया लोग बहुत दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, एक पूरा झूला सेट करने में काफी दिन लग जाता है। आप लोग आइएगा झूलिएगा, इसीलिए तो आते हैं कि ताकि आप लोग झूल सके, इनका भी कुछ प्रॉफिट हो और आपको भी आनंद उठा सके। अरे भाई देखो कहाँ से आ रहा है। अरे यार। तो चलिए आपको पूरा और भी मेला दिखाते हैं। देखिए भैया विदाउट टिकट कोई मत आइएगा, कहें कि बहुत मेहनत लगता है, बहुत दूर से आते हैं भैया लोग, भैया लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए, सब लोग टिकट लेके ही आइए, मेला घूमिए। बच्चा लोग कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा भैया। लग रहा है तुम? यह बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग का घर इधर ही होगा ना पास में? ये लगा, अच्छा यहीं पे घर है, बताओ पास में ही घर है, तुम लोग तो दिन रात घूमते ही रहता होगा मेला। बिन पैसा का नहीं घूमता है, पैसा लगा के टिकट खरीद के। तारा मछी चालू नहीं है तो इस पे भी घूमते है, अभी देख सकते है ये तारा मछी। बाकी इधर दुकान वकान अभी जो देख रहे हैं, बहुत सारा दुकान वकान लग रहा है फिलहाल, बहुत सारा दुकान सेट हो रहा है। इधर है ड्रैगन, इधर है मौत का कुआं देख सकते हैं। देखिए मौत का कुआं जो है पूरा सेट हो रहा है, एक दिन इतना आप लोग सेट कर दिए, कब तक हो जाएगा? कल तक हो जाएगा पूरा? हाँ अंदर जाके दिखाए भैया, देख सकते हैं ये मौत का कुआं का अंदर का कुछ इस तरह का सीन है।
पूरा चारों तरफ। अभी इसका हाइट जो है अभी और उठाया जाएगा और ऊपर तक जाएगा ये। और मौत का कुआं का अंदर का जो बाइक चलता है, हम आपको पूरा बाइक दिखा रहे हैं, ये सारा बाइक है जो मौत का कुआं के अंदर दौड़ाया जाता है राइडर के द्वारा। और इसमें देख लीजिए क्या क्या पार्ट्स होता है, हेडलाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं यमहा का ज़्यादा बाइक इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ है मौत का कुआं का बाइक जो अंदर में चलने वाला है, इसमें स्प्लेंडर यमहा सारा बाइक आपको देखने को मिल रहा है। ये है मौत का कुआं के अंदर का कुछ सीन जो कि आप देख सकते हैं। और मौत का कुआं जो है अभी पूरा चारों तरफ से सेट किया जा रहा है। अभी इसका हाइट जो है अभी और डबल तक जाएगा, जितना आप हाइट देख रहे हैं इससे भी हाइट अभी ऊपर तक जाएगा। तो कुछ इस तरह का यह सीन है मौत का कुआं का अंदर का। सबसे पहले हमारे चैनल पर एक दिन पहले, अभी तक मौत का कुआं का अंदर का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आया है, किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं मौत का कुआं का अंदर का कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाए। बाहर से भी देख लीजिए इस तरह से सेट हो रहा है। अभी बहुत हाइट अभी बहुत ऊपर तक जाएगा, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। ये जो सामने आपको बाइक और कार दिखाई दे रहा है ना, ये कार मौत के कुआं में चलने वाला कार है। ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये कार आपको मौत का कुआं में दौड़ते नजर आएगा। तो यहाँ पे ड्रैगन वगैरह लगा हुआ है, सारा दुकान वकान सेट हो रहा है। कुछ इस तरह का ये मेला में तैयारी चल रहा है। पूरे मेला में सबसे पहले एक दुकान सज के तैयार हो रहा है जो कि फ्लावर का है, घर को सजाने का है। ये सबसे पहले देख रहे हैं कि सामान वान पूरा दुकान भर दिया गया। बाकी दुकान तो लेके आप सब लोग अपने अपने दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत जल्दी मेला देखने को मिलेगा। कल भी बहुत सारा दुकान ओपन हो जाएगा ऐसा हमको लगता है। अभी देख सकते हैं दुकान जो बाहर से बंद किया गया दिखाई दे रहा है, अंदर में सब लोग अपना अपना सामान सजा रहे होंगे। और यहाँ पर मेला के जस्ट नीचे ढाल पे भी आप, यहाँ पे भी मेला लगेगा और बहुत सारा दुकान ये वो लगता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दुकान मेला सजने को तैयार है, यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल होगा और बाकी सारा दुकान पे काम चल रहा है। धीरे धीरे सारा दुकान ओपन हो जाएगा। कल गणेश चतुर्थी है, कल पूजा पाठ होगा, पंडाल भी बन ही रहा है। और हमको जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि शाम तक पंडाल रात तक रेडी हो जाएगा, कल पूजा है, तो आप लोग आइए घूमिए। तो दोस्तों एक दिन पहले का कुछ इसी तरह का कुछ अपडेट था। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। मिलेंगे कल के वीडियो में जहाँ पे गणेश चतुर्थी का पूजा पाठ हम आपको दिखाएंगे, मेला सज जाएगा, उसके बाद हम आपको वीडियो बना के यहाँ का दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिया।